नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 16 एस में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष राजीव विज जी से। आज हम कार्यालय पे मौजूद हैं, इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सर, मेरा आपसे सीधा सवाल है सर, अब जैसे राजेंद्र नगर उपचुनाव है, दुर्गेश पाठक जी वहाँ के कैंडिडेट चुने गए हैं, दो बार से आपके वहाँ के विधायक हैं सर, राघव चड्ढे जी और विजेंद्र गर्ग जी रहे हैं, तो वहाँ की क्या अभी इस समय की क्या परिस्थितियाँ बनी हुई सर? आप जैसे कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। स्थिति बहुत मजबूत है वहाँ पर। हमारे केजरीवाल जी ने एक नारा लगाया हुआ है कि जिसकी सरकार उसी का विधायक। बिल्कुल सर, और ये नारा देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि 62 MLAs हमारी पार्टी के हैं। अब ये बाई इलेक्शंस हैं तो उसमें भी दुर्गेश भाई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और जुड़े हुए हैं पार्टी से, बहुत पुराना जुड़े हुए हैं। बाकी वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही बढ़िया है, और हम पंजाबी विंग से टीम में हूँ मैं वहाँ पर जी। तो रोज़ हम डेली शाम को 4 बजे करीब वहाँ पहुँचते हैं, पंजाबियों का वहाँ एरिया है, वहाँ के लोगों से हम मिलते हैं, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सबकी एक नॉर्मल सी कंप्लेंट्स आती हैं जो काम MCD को करना चाहिए। आम लोगों को नहीं पता कि ये कार्य किसके पास है जी, तो उनको यही होता है कि अपना सफाई नहीं है, सीवर अपना नालियों में सफाई नहीं है, तो उस चक्कर में लोगों को हमें बताना पड़ता है कि ये काम MCD के हैं और ये दिल्ली गवर्नमेंट के हैं जी। तो बाकी माहौल बहुत ही बढ़िया है, जीत पक्की है। सर, मुख्यमंत्री जी का भी दौरा कल से और आप 2 दिन और का है, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री जी का चेहरा इस विधानसभा में रहेगा? चेहरा तो केजरीवाल जी का ही है, जैसे सेंटर में सब मोदी जी करते हैं, तो ऐसे चेहरा हमारा केजरीवाल जी का ही है, और उन्हीं के चेहरे पे ही सारे के सारे कार्यकर्ता, पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता आ रहे हैं दुर्गेश भाई के लिए। अपना बहुत बढ़िया चल रहा है, तो रोड शो से और प्रभाव बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सर, लोग अपने जो जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कोई समस्या रख रही क्षेत्र की जनता? समस्या यही आपका सफाई। और सफाई हम उनको फिर समझाते हैं, कहते जी हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो वो है। मैं कहा जी अभी इलेक्शन होने थे MCD के, वो इन्होंने पोस्टपोन कर दिए, अब 6 महीने में होते हैं कि 2 साल में होते हैं, ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, अफवाहें तो बहुत फैलती हैं। अगर ये केजरीवाल जी की टीम और मजबूत हो जाती है, MCD में काउंसलर आ जाते तो दिल्ली का नक्शा ही बदल देते। सर, आप जैसे राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप और भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं सर, कुछ अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं राजीव विज, 1970 से बाई बर्थ मैं जनकपुरी में रहता हूँ, एंड एजुकेशन मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी है, यहाँ का 13 बिल्डिंग्स हैं कमर्शियल, यहाँ का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, 2 बिल्डिंगों का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हैं, ये हमने अपार्टमेंट एक्ट के अंडर अंसल्स बिल्डर से 10 साल पहले ले ली थी, अभी एसोसिएशन ही मेंटेन करती है। मैं, हमारी एक सोसाइटी है चिन्योट बरादरी, पूरी इंडिया की बेस पे एक बरादरी है, हमारे 2 भवन हैं दिल्ली में और हरिद्वार में, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का भवन मंत्री हूँ। तो मैं कई मंदिरों से, गुरुद्वारों से, कई जगहों पे, कहीं ऊपर लेवल पे, कहीं नीचे लेवल पे बल्ला गई हूँ मैं, 20-25 साल से चल रहा है। मतलब समाज के लिए आपने सर क्या क्या अभी तक काम किए? समाज की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? देखिए, अब जो बरादरी है उसमें सब इकट्ठे रहें, उसके लिए हम लोगों ने भवन बनाया, ऑल ओवर इंडिया से लोग हरिद्वार आते हैं कि भाई उनके रहने रुने के लिए, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, आपका कोरोना टाइम पे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ी लोगों को, खाने की ज़रूरत पड़ी, हमारे क्षेत्रीय विधायक राजेश ऋषि जी जो हैं, उन्होंने, हमने एक जगह ली, किसी एक सज्जन पुरुष ने हमें वो जगह दी, वहाँ हमने खाना बनवाया, 2000 बंदों से शुरू किया और 20,000 बंदों तक हम खाना बनवाते रहे, डिलीवरीज देते थे, जो बुज़ुर्ग घर से नहीं निकल सकते थे उनके घर पर डिलीवरी दी, गुरुद्वारे के थ्रू रोटी हम हमारे कार्यकर्ता और सेवादार गुरुद्वारे के, वो जाके डिलीवरी करते थे, और जिसको कंबल चाहिए, किसी को चादर चाहिए, किसी को टूथपेस्ट चाहिए, किसी को साबुन चाहिए, जिस जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट आई, तो हम 5-7-10 कार्यकर्ता समझ लो, सोसाइटी के बंदे मिलके समझ लो, जरूरी नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तो हमें ये करना है, एक हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि भाई हमें समाज के लिए क्या करना है। अगर भगवान ने हमें इतना समर्थ किया है कि हम 2 पैसे खर्च के किसी की सेवा कर सके जो नीडी है, तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि पार्टी में भी मेरे को 9 साल हो गए। ओके,
अच्छा, जो ये अग्निपथ जो ये योजना निकाली केंद्र सरकार ने, इसका भी कई जगह विरोध हो रहा सर। बिहार में देखा आपने कहीं रेल बसें जलाई गई हैं सर, इस पर आपके अपने क्या विचार होना चाहिए? कहना नहीं चाहिए। ये जो स्कीम बीजेपी ने निकाली है, बेसिकली जो सत्ता में सरकार है स्कीम उन्होंने निकाली है, ये बहुत ही गलत निकाली है। एक गरीब परिवार का आदमी, एक तो पहले वो फौज में आता है देश की सेवा के लिए, और उसके बाद अब उसके ऊपर कंडीशन लगा दो कि 4 साल तू काम ठीक करेगा तो तेरे को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो तू रिटायर। आप एक बार बताइए, 23 साल की उम्र में बंदा नौकरी करे और 27 साल में रिटायर हो गए, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, आफ्टर उसके वो क्या करेगा ये? और देश का सत्यानाश हो रहा है, ट्रेनें फूक रही हैं, अरबों रुपये का प्रॉपर्टी जल गई है, अब कहाँ है बुलडोज़र जिसने जलाई है, अब कहाँ चीज़ें हैं? इस चीज़ को तो इमीडिएट हमारे रक्षा मंत्री को रोकना चाहिए। और इस पर संज्ञान कह रहे थे हम लेंगे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है अब इस पर क्या संज्ञान लेंगे। 21 से 23 कर दिया, अब क्या संज्ञान लेंगे? जैसी जो चीज़ चल रही है खासकर फौज के लिए, उसको मेरे हिसाब से देश के नेताओं को नहीं छेड़ना चाहिए। सर, जनकपुरी विधानसभा यहाँ के जो विधायक हैं राजेश ऋषि जी, कुछ उनकी उपलब्धियों को लेकर क्षेत्र में क्या हुआ काम क्या नहीं? मेरे हिसाब से जो हमारे विधायक ने अपने टेन्योर्स में काम कराया उतना मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के किसी विधायक ने कराया हो। हमारे जनकपुरी में अपने वार्ड 16 की बात करूँगा, कोई भी ब्लॉक हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ सड़कें ना बनी हों। आपका मैक्सिमम हमने बाउंड्री वॉल्स बनवा दिए हैं, जो काम MCD के थे पार्क बाउंड्री वॉल्स। हमारे सर कहते हैं कि जी आप हमें लिख के दो, हम आपकी बाउंड्री वॉल्स बना देंगे। बाकी हर पार्क में बेंचेस, झूले, जिम, ब्लॉकों में वाईफाई, CCTV कैमरास, आपका और मेन उपलब्धि बैडमिंटन कोर्ट इंटरनेशनल लेवल का, उन्होंने 25 से 30 बैडमिंटन कोर्ट हमने वार्ड 15 और 16 इसमें बना दिया। उनकी मतलब वो ये कहते हैं एक चाहे कब पे बुलाओ और मेरे से लाखों रुपए के काम अप्रूव करा लो। और MCD से जुड़े मुद्दों पे बात कर लेते सर, क्या हालात है MCD से? देखिए, आज भी हमारा सुबह 10 बजे सफाई अभियान एक था, नालियाँ चौक ने, वो जो एक्स काउंसलर्स हैं जो 21 मई के बाद अब काउंसलर्स नहीं रह गए, वो कहते हैं जी हमारी नाली तब साफ़ हो कि बाहर जल बोर्ड का नाला या PWD का नाला साफ हो तो हमारा पानी उसमें जाए। हमारे विधायक, हमारी गवर्नमेंट ये कहते हैं कि जी आप अपनी नाली का पानी हमारी दिल्ली सरकार के नालों में क्यों डालते हो, आपका अलग प्रोविज़न क्यों नहीं है? एक तो ये बहुत तगड़ा मैश है कि भाई ये पानी कहाँ निकलेगा, ये पानी कहाँ निकलेगा। मैं ये सबमिशन देना चाह रहा हूँ कि जो नाली नाला बड़े नाले उसको एक ही डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए, बड़ा नाला फ्लड में जाना चाहिए और ब्लॉक की नालियाँ और जो मेन रोड PWD रोड्स के साथ जो नाले हैं मेरे हिसाब से जल बोर्ड को देना चाहिए कि जो पानी का काम है वो जल बोर्ड करे, जो रिपेयर का काम है वो वर्क्स डिपार्टमेंट करे। तो MCD का देखो सर, 2-3 काम है, ब्लॉक की सफाई जो नहीं होती है रूटीन में, मैं नहीं कह रहा, लोग कहेंगे जी अध्यक्ष है इसलिए MCD की बुराई कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। दूसरा आपका पार्क में जो मलबा गिरता है, मलबा इन द सेंस पत्ते गिरते हैं, टहनियाँ गिरती हैं, वो 10-10 बार परसू करने के बाद भी नहीं उठता। हमने भी MLA सर को बोल के कई ब्लॉकों का करवाया, MCD के थ्रू ही करवाया कि भाई वो उन्होंने कहा तो उन्होंने उनको कहाँ माना और वो कर दिया। और एक आपका प्रूनिंग होती है MCD की, ब्लॉक्स के अंदर ट्री की प्रूनिंग होती है, वो नहीं होता। अगर वो होती है तो ऐसे निर्दयता से पेड़ काटते हैं, इतने गलत तरीके से काटते हैं कि जड़ भी उखड़ती बाकी मोटी मोटी टहनियाँ तक काट जाते हैं, और वो लकड़ उसके बाद कहाँ जाती है वो भगवान जानता है। तो इससे कहीं ना इंसिडेंट भी होता है? इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि जो PWD का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो अपनी क्रेन लेके चलता है, अपना ट्रक साथ साथ लेके चलता है, और आसपास लोग खड़े होते हैं, कोन्स लगाए जाते हैं, जैसे ही टहनी गिरती है उसको ट्रक में डाल के ले जाया जाता है। MCD का काम आज बोलोगे 6-8 महीने तक नहीं होगा। मेन प्रूनिंग लोगों को चाहिए होती है सर्दियों में कि उनके घरों पे धूप आए। अभी मैंने इस साल भी बहुत प्रूनिंग कराई है, पिछले साल भी कराई है, क्योंकि अब गर्मियों में नहीं करानी चाहिए कि छाया चाहिए सबको। तो हर डिपार्टमेंट जब अपना अपना काम करे तो मेरे ख्याल से दिल्ली को सुधरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा राजीव जी, और एक छोटा सा कोई मैसेज अपने दर्शकों को कुछ आप देना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहता हूँ मिलके चलो, कोरोना के सारी चीज़ों से सावधान रहिए, अपना अपना जैसे आप किसी भी ब्लॉक में रहते हैं अपने अपने ब्लॉक को आप ठीक रखेंगे तो धीरे धीरे अपना पूरा एरिया साफ हो जाएगा। मेन है गंदगी, थोड़ा थोड़ा सारा ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से
जनकपुरी वार्ड 16 है, इसको फर्स्ट आने में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात राजीव विज जी से स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।